वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, मैं हूँ अभी एमपी के टूर पे। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है चौसठ जोगनी टेम्पल। चौसठ जोगनी टेम्पल के बारे में आपको एक बात बता दूँ कि ऑल ओवर इंडिया में चौसठ जोगनी के चार मेन मंदिर हैं, जो कि सर्कुलर बने हुए हैं राउंड शेप में, और जिनमें से दो तो एमपी में है चौसठ जोगनी और दो उड़ीसा में। तो अभी हम हैं एमपी में, तो दोनों टेम्पल एक्सप्लोर करेंगे एमपी वाले चौसठ जोगनी। इसमें से फर्स्ट हम चलेंगे मुरैना वाले चौसठ जोगनी पे। मुरैना वाले चौसठ जोगनी की एक खासियत ये है कि जो उसका स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, उसी से इंस्पायर स्ट्रक्चर हमारा संसद भवन है, चौसठ जोगनी से ही इंस्पायर मुरैना। तो चलिए हम चलते हैं मुरैना और देखते हैं कैसा है वहाँ का चौसठ जोगनी टेम्पल। तो चलिए चलते हैं। हे फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हम हैं एमपी में और हम दोनों एमपी के चौसठ जोगनी टेम्पल को कवर करेंगे अपने इस ब्लॉग में। तो अभी हम चलते हैं ग्वालियर के से 38 किलोमीटर की दूर बडौरी मितावली के पास मुरैना ज़िले में चौसठ जोगनी मंदिर पे, जिसमें देखिए उप जाने कैसे होल्स बने हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है, कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं जिनका मीनिंग आज तक समझा नहीं जा सका है कि इनका मतलब क्या है। इस मंदिर का निर्माण काल 1323 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। लगभग 100 फीट की ऊंची पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम इसके प्रांगण में पहुंचते हैं। इसका प्रवेश द्वार पूर्व की ओर बना हुआ है और इस मंदिर की पूरी परिधि है 226 मीटर। यहाँ मिले एक अभिलेख के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे मंदिर के की पहाड़ी पे खुदाई में आदमकद पत्थरों की प्रतिमाएं मिली थी, जो कि ग्वालियर के म्यूज़ियम में रखी हुई हैं और ये कुषाण काल की थी। ये देखिए, हम दिल्ली आ गए हैं ग्वालियर से। आपको सिर्फ ये बताने कि जो हमारा संसद भवन है, संसद भवन की पूरी डिज़ाइन इस चौसठ जोगनी टेम्पल से इंस्पायर है। यह मंदिर अपने आप में एक अनूठी मिसाल है उस टाइम की आर्किटेक्चर की। देखिए कितनी खूबसूरत इस पे नक्काशियाँ करी गई हैं। ये सारी नक्काशियाँ सिर्फ आपको फ्रंट साइड पे मिलेंगी, आगे की तरफ पीछे की तरफ प्लेन पत्थर लगे हुए हैं। इस मंदिर का घेरा 170 फीट का है। एक गोल बरामदे के इर्द गिर्द 64 कमरे बने हुए हैं। इसका प्रवेश द्वार देखिए, नीचे कुछ ये द्वारपाल बने हुए हैं एंट्री गेट पे देखिए। और इन 64 कमरों में शिवलिंग रखे गए हैं। इस मंदिर के बरामदे में बिल्कुल गोल मंदिर बना हुआ है एक और, जो कि खंभों की श्रृंखला के ऊपर बना हुआ है। बहुत खूबसूरत है, खंभों पे कितनी प्यारी नक्काशी करी गई है। इस मंदिर को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग जल संरक्षण से वो अच्छी तरह वाकिफ थे और बारिश का जल संरक्षित करके रखना जानते थे, क्योंकि स्टोरेज है बारिश के पानी का इस मंदिर में। मंदिर बहुत प्यारा है और इसमें कुछ बाद में कुछ इस पे लिखा भी गया हुआ है, मेन मंदिर में देखा जा सकता है, आप चाहेंगे तो देख लेंगे। पुरातत्व विभाग ने अब यहाँ मेन गेट बनवा दिया है, जिससे कि इस मंदिर का और नुकसान ना कर सकें लोग। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। और ये देखिए लिखावट, ये जो लिखा हुआ है ये अब बहुत बाद में लिखाई, कितना सुंदर है इसका, बिल्कुल गोल एकदम। सोचिए उस ज़माने में कंस्ट्रक्शन हमारा कितना अच्छा हुआ करता था। तो ये रहा हमारा मुरैना का चौसठ जोगनी। अब हम चलते हैं मध्य जबलपुर के चौसठ जोगनी टेम्पल।
जबलपुर का अष्टनाशा जोगिनी मंदिर तंत्र साधना के लिए बहुत फेमस माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। मुरैना के मंदिर से थोड़ा सा डिफरेंट है ये मंदिर। मुरैना में ब्रिज प्रांगण में एकदम गोल मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे मंदिर की तरह मंदिर है। और ये देखिए 64 योगिनियाँ हैं जो कि बाहरी आक्रांताओं द्वारा तोड़ दी गई हैं। अगर हम इतिहास में पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि ये वो योगिनियाँ हैं जिन्हें ज्ञान के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। ये माना जाता है कि पहले भारत में मातृसत्तात्मक समाज था, इसीलिए इन योगिनियों को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। ये वो महिलाएं हैं जिन्हें वैद्य रूपा की उपाधि मिली है। ये समाज की बहुत प्रतिष्ठित महिलाएं थीं। यहाँ मैं बता दूं कि तंत्र साधना का मतलब जादू तोड़ने और टोटके से नहीं है, बल्कि तंत्र साधना को यहाँ पे शरीर की आंतरिक क्रियाओं को समझना कहा गया है, शरीर की तंत्र को समझने को कहा तंत्र साधना कहा गया है। हमारे ग्रंथों में करीब 64 कलाएं बताई गई हैं, यानी कि खाने पहनने सोने जागने चिकित्सा से लेकर हर चीज़ जो कि जीवन से जुड़ी है सब 64 कलाओं के अंतर्गत आती है। और इन कलाओं में पारंगत महिलाओं को 64 योगिनी कहा गया है था। चौसठ योगिनियों का सम्मान दिया गया है। यहाँ पर ज्ञान की पूजा होती थी, तारों का अध्ययन होता था। जबलपुर का पंचांग आज भी ऑल ओवर इंडिया में बहुत फेमस है। 64 योगिनी को चौसठ योगिनी की इतिहास है उसे बदल कर सुनाया गया है। 64 योगिनी का जो इतिहास है उसे जो थोड़ा सा चेंज करके बताते हैं, तंत्र साधना से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। देखिए कितनी कलात्मकता से बनाई गई हैं ये मूर्तियाँ, और इतने सालों बाद भी अगर ये तोड़ी ना जाती तो हमें जस की तस मिलती। जबलपुर का 64 योगिनी टेम्पल भेड़ाघाट के पास ही स्थित है। किसी भी बात को हमें सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हर चीज़ को लॉजिकली सोचना चाहिए। सोचिए आप ये क्यों बनी है, इनका क्या रीज़न था। तंत्र साधना से तो इनका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, इवन इसमें एक इतिहासकार भी हैं जिनका मैं नाम भूल रही हूँ, उन्होंने कहा था कि वो एक नाइट यहाँ पे उन्होंने स्टे करा था और उन्हें बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आई थी सारी रात, वो डर गए थे या जो भी है, जैसा उनका व्याख्यान था वो तो बहुत भयानक था, मैं बता नहीं पाऊँगी। बट मैं कहना चाहूँगी अगर ऐसा था, योगिनियाँ इतनी, ये टेंपल इतना हॉरर है, इतना डरावना है, तो वो जो हमारे इतिहासकार थे वो डर के मारे बेहोश क्यों नहीं हो गए, या उनके साथ कोई अनहोनी क्यों नहीं होगी, योगिनियाँ ने उन्हें परेशान क्यों नहीं किया, वो बच कैसे गए। ये देखिए शिवलिंग है यहाँ पे। इस मंदिर में शिवरात्रि के दिन बहुत लोग आते हैं, बहुत मेला लगता है, क्योंकि ये शिव को समर्पित
बोला गया है शिव की पूजा करती थी योगिनियाँ। एक चीज़ और है, हर चीज़ को कयास नहीं लगाना चाहिए किसने बनवाया कैसे बना। मेरे हिसाब से तो हर चीज़ की कार्बन डेटिंग करा लेनी चाहिए कि भैया कब बना कैसे बना। मुरैना का 64 योगिनी और जबलपुर का 64 योगिनी जो कि ये बहुत बड़े स्तर पे बनाए गए हैं। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके अंदर आपको शंकर पार्वती की विवाह टाइम की कहते हैं मूर्ति अंदर दिखेगी। नंदी पे बैठे हुए हैं दोनों लोग। हर मूर्ति पे नंबर डले हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं। पार्वती समस्त सिद्धियों के साथ साथ में महाकालेश्वर बाबा अमरनाथ भोले भंडारी अपने नंदी बैल पर करते हुए सवारी। विवाह स्वरूप का जब भगवान भोलेनाथ विवाह करने गए थे उस समय का माता पार्वती के साथ बैल पे सवार स्वरूप की प्रतिमा जो लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है, जिसका इतिहास शायद ही पूर्ण रूप से किसी को पता हो कितनी पुरानी है। सब जगह शिवलिंग में ज्योतिर्लिंग में मिलते हैं, यहाँ बाबा का विवाह के समय का बारात के समय। कहा जाता है कि माँ काली के 64 रूप है जिनको ही 64 योगिनी कहा जाता है। 64 योगिनी योग सिद्धि माया है जो माँ पार्वती की अनुचरी है। यदि देखा जाए तो यदि आप 64 योगिनी का पूजन नवरात्र में करते हैं, क्योंकि नवरात्र में माँ काली माँ पार्वती समस्त नौ देवियाँ चैतन्य होती हैं और उनकी ही 64 सिद्धियाँ 64 योगिनी कहलाती हैं। तो यदि आप पूजन करते हैं 64 योगिनी के या मंदिर जाके दर्शन करते हैं तो आपको समस्त सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार के संत महात्मा और साधु इस नवरात्र में माँ 64 योगिनी के मंदिर में जाते हैं और वहां पर घोर तप करते हैं और वहां से अनेकों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ये सिद्धियां वशीकरण स्तंभन और इंद्रजाल मायाजाल ये समस्त इसी प्रकार की सिद्धियां माता से प्राप्त होती हैं। कहा जाता है कि जो 64 योगिनी है वो माँ काली का कुल है, अर्थात माँ काली से ही उत्पत्ति हुई है। और इस अगर आपको अच्छा लगा हो समस्त रूपों में माँ काली ही समस्त सिद्धियां आप माँ काली से समस्त सिद्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप